फार्मा वाड़ियो चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले साल का मोस्ट वैल्यूएबल जॉब एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले, जहां पर एक फार्मासिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन पास करने पर ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिए है www.ssc.nic.in। उसके बाद चले जाएंगे यहाँ पर जो नोटिस के ऑप्शन है उसमें क्लिक करने के बाद जो सीजीएल का नोटिस है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको जो डेट स्टार्ट होता है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होके 3 मई तक चलेगा। लगभग 1 मंथ का आपको इसमें टाइम मिलेगा इसमें अप्लाई करने का, जिसमें लास्ट पेमेंट का डेट है 4 मई। तो चलिए इसमें अब डिटेल्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो टायर 1 एग्ज़ाम जो होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है, और यहाँ पर टायर 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको बाद में आपके नोटिफिकेशन के थ्रू और नोटिस के थ्रू आपको गठित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, यहाँ पर मेल और फीमेल को एक साथ इंकरेज किया जा रहा है जेंडर बैलेंस बजाय रखने के लिए, और यहाँ पर दोनों को ही इसमें अप्लाई करने के लिए इंकरेज कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 47,000 से शुरू होकर 1,51,000 तक इसमें सैलरी आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो कि आपका ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर के अंदर आता है, जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो गया, जिसमें एज लिमिट है 18 से 30 इयर्स तक। तो चलिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी है, जहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, अदर्स मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, CVIDT, CVIC, सब जो जितना भी बड़ी डिपार्टमेंट है सब में इसमें वैकेंसी होता है इस सीजीएल के थ्रू, जो कि यूपीएससी के बाद का एग्ज़ाम माना जाता है। तो यहाँ पर भी आपको जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 20 से 30 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का पोस्ट, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन, इंस्पेक्टर कॉन्ट्रेक्चुअल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, एंड पे लेवल जो 6 का वैकेंसी है उसमें आप असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि ऑफिसर मिनिस्ट्रियल CVIC, रिसर्च असिस्टेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सब इंस्पेक्टर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एंड MHA, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सब में आपका जो वैकेंसी है वो 18 से 32 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है। अब आता है ग्रुप सी का पोस्ट, जिसमें ऑफिशियल अंडर CNAG का पोस्ट आता है, अदर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, ऑफिशियल कंट्रोल जनरल ऑफ द अकाउंटेंट, सब में इस वैकेंसी है, जिसमें लेवल 5 का आपका सैलरी दिया जा रहा है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी आता है वो लेवल 4 का सैलरी के अंदर आता है, जो कि पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, सीनियर सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सबका वैकेंसी इस सीजीएल के थ्रू ही होता है, जिसमें आपको जो एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी आ जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है नोटिफिकेशन के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट होगा, जो आपका मेरिट बेस रहेगा, तो आप जो इसमें प्रेफरेंस चूज करेंगे तो उसमें जिसका मेरिट ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इसमें जॉब पाने का। उसके हिसाब से आपका जो हायर जो क्वालिफिकेशन रहेगा, मतलब हायर जो नंबर रहेगा, उसको फर्स्ट सेक्टर पर चूज़ किया जाएगा। और नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर जो देख पाएंगे, जब सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड का एक टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट होता है, उसमें आपका जो क्राइटेरिया दिया गया है एनेक्सा 17 पर, उसमें आपको चेक कर लेना है, उसमें सारा कुछ क्राइटेरिया मैच करता है तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बोला गया है, यहाँ पर वैकेंसी का एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी है। यहाँ पर आपको टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 7,500 तक वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट का जो छाड़ मिलता है SC ST OBC EWS क्राइटेरिया में, ESM पर, सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया का जो बात है यहाँ पर आप देख पाएंगे 18 से 27 ईयर तक का भी बात था, वहाँ पर 20 से 30 ईयर तक की भी बात था। तो इसमें कितना तक आपका काउंट होगा वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जिस नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इंडियन सिटीजन हो, नेपाल सिटीजन हो, और भूटान का सिटीजनशिप रहने पर भी यहाँ पर आप SSC का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
यहाँ पर एज लिमिट का जो छाड़ मिलता है, आपको छूट मिलता है, तो उसमें आपको एससी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको जो मिलता है 10 ईयर्स का, उसमें सारे कुछ यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बात करने का बात है वो है आपको यहाँ पर छूट मिलने के लिए जो छाड़ मिलता है आपको एज रिलैक्सेशन का, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने का पड़ेगा उसके बारे में। तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब आपका जो एसडीओ होता है, आपका लोकल का जो एसडीओ, उसके हिसाब से आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई होना चाहिए और एक्चुअल होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक एनेक्सर भी दिया गया है एससी एसटी ओबीसी के लिए, उसको आपको फिलअप करके ले जाना है बीडीओ के तरफ से, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर एसेंशियल जो एडुकेशन का बात बोला गया है उसके बारे में। तो जहाँ पर आप देख पाएंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको मिनिमम जो डिग्री बैचलर इन डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के तरफ से, और इसमें डिजायरेबल जो है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी कोर्स रहेगा, वह कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंट कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, ऑफ मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस तरीके का कोई भी डिग्री रहेगा तो आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें इसके लिए एलिजिबल नहीं हो इसमें अप्लाई कर लेने के लिए, जो कि एक हायर पोस्ट है इस एसएससी सीजीएल का। तो इसमें इसके लिए एक अलग से एग्जाम होगा, मतलब आपको जो नॉर्मली एग्जाम रहता है सबके लिए वो तो रहेगा, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पेपर रहेगा इसके रिगार्डिंग, तो उसको भी आपका पास करना पड़ेगा इसमें क्वालिफाई होने के लिए। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी के बारे में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है वो है जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर के बारे में, जहाँ पर आपको बैचलर इन डिग्री कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पास करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स के ऊपर, और का 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम होता है, मतलब एचएस में आपको 12th स्टैंडर्ड एग्जाम में आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है। उसके साथ साथ और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज द डिग्री लेवल, मतलब आपका डिग्री लेवल होना चाहिए बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स का, तभी आप इसमें जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 का पोस्ट, जहाँ पर बैचलर डिग्री इन द सब्जेक्ट इन द स्टैटिस्टिक्स का ऊपर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसमें सिलेक्शन होने का चांस होगा आपका। तो नेक्स्ट जो है रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का जो वैकेंसी है, उसमें आप तभी सिलेक्शन हो पाएंगे जब आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होगा, और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम आपका 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना जरूरी है कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज के अंदर। ऊपर मेंशन किया गया जो पोस्ट है उसको छोड़ के जितना भी अदर जो पोस्ट है उसमें आप सिर्फ बैचलर डिग्री और ग्रेजुएशन होने पर ही आप इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है, तो इसके लिए हम डिटेल्स में बाद में एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसको देखना चाहते हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना चाहते हैं उसको जानने के लिए फार्मा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना एप्लीकेशन फीस रहेगा एसएससी सीजीएल में अप्लाई करने के लिए उसके बारे में। तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करने का पड़ेगा सिर्फ 100 रुपीज, और एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी सबके लिए आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो आप ऑनलाइन के थ्रू और ऑफलाइन के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, रुपए के थ्रू और भीम यूपीआई के थ्रू, सबके थ्रू यहाँ पर पेमेंट है वो कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होने वाला है उसका जो सेंटर रहेगा उसके बारे में। तो एक जोन वाइज आपको एग्जाम जो सेंटर है वो आपको डिवाइड करके दिया गया है, जैसे कि हमारा ईस्टर्न रीजन है तो ईस्टर्न रीजन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप आसनसोल है, बर्दवान है, दुर्गापुर है, कल्याणी है, कोलकाता है और सिलीगुड़ी है, इस सब में आपका ईस्टर्न रीजन का पड़ता है। ऐसे ही आप कर्नाटक रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, सब का रीजन का देख सकते हैं डिटेल्स में, जिसको लिए आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो हमारा जो फार्मावर्स का जो टेलीग्राम उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें भी ज्वाइन करके इस सारा डिटेल्स देख पाएंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में आप डिटेल्स में बात करने वाले। तो यहाँ पर आप टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम होने वाला है, तो टायर 1 में आपका सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए आपको 200 मार्क्स रहेगा, मतलब पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपको 25 क्वेश्चन जिसके टोटल मार्क्स रहेगा 50, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन जिसका मार्क्स रहेगा 50, जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 25 एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर 25, टोटल आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए आपको 1 आवर्स टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो अब उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.50 करके पर क्वेश्चन गलत करने पर टोटल मार्क्स से कट लिया जाएगा। और पीडब्ल्यू
भी जो कैटेगरी के लिए अप्लाई करता है उसके लिए आपको 20 मिनट्स यहाँ पर ज़्यादा भी मिलेगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कीम और टायर टू का जो एग्जाम है उसके बारे में। तो टायर टू का जो एग्जाम होने वाला है, टायर टू का एग्जाम में आपको पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, तीन तो पेपर रहता है जिसमें पेपर वन सबको देना पड़ता है, जिसमें पेपर वन में सेक्शन वन सेक्शन टू का भाग डिवाइड करके दिया गया है, जिसमें मैथमेटिक्स का ऊपर एंड रीजनिंग का ऊपर क्वेश्चन रहेगा 30-30 करके टोटल 60 क्वेश्चन। उसके लिए पार्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स करके आपको टोटल 180 मार्क्स आंसर देना पड़ता है 1 आवर्स के अंदर। उसके बाद सेक्शन 2 में आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड सेकंड मॉड्यूल पर आता है जनरल अवेयरनेस, इसके ऊपर 45 एंड 25 टोटल 70 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 210 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको टाइम दिया जाता है 1 आवर्स। और सेक्शन 3 में आता है कंप्यूटर नॉलेज का ऊपर क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन रहता है, 3 करके आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है। तो टोटल 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको पेपर वन के लिए। और सेक्शन 2 में आता है आपका डाटा एंट्री का स्पीड चेक होता है, उसमें आपको 2000 का वर्ड दिया जाता है, उसको आपको टाइप करना है। और पेपर 2 में जो है वो स्टैटिस्टिक के लिए है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स करके 200 का, जिसमें 2 आवर्स दिया जाएगा। और पेपर 3 में जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो लेवल 8 का जो पोस्ट है पे रोल के अंदर आता है उसके लिए, उसमें भी आपको 200 क्वेश्चन रहता है, उसके लिए आपको 2 आवर्स के अंदर उसको सॉल्व करना है। तो अब आता है यहाँ पर क्या एग्जाम का सिलेबस रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर सिलेबस का पूरा डिटेल्स दिया गया है, जिसको आप अच्छी तरीके से देखने के लिए हमारा जो फार्मा आवर्स का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको दिया जाएगा, तो उसमें आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर कौन सा पोस्ट के लिए आपको पीईटी और पीएससी टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है सीबीआईसी, इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो सीबीआईसी, इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफिसर सीबीआईसी, इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एमएचए, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर एनआईए, ये सब के लिए आपको जो पीईटी एंड पीएससी टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए एनएक्सर जो 17 है वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करने वाले हैं यहाँ पर कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स कितना पाना पड़ेगा सब। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए आपको मिनिमम 30% मार्क्स पाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए आपको 25 मार्क्स एंड अदर्स जितना भी कास्ट है उसके लिए आपको 20% मार्क्स पाना पड़ेगा टायर वन एंड टायर टू के लिए। और यहाँ पर मैक्सिमम जो एरर है, एरर का परसेंटेज भी यहाँ पर दिया गया है, अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम 20% तक काउंट होगा, ओबीसी के लिए 25 एंड ऑल अदर्स कैटेगरी के लिए 30% तक एरर कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा एरर करने से आपको यहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं वीडियो का एंड पर, जहाँ पर आपको दिखाने वाला है जो एनएक्सआर का 17 का जो पोस्ट था, मतलब जहाँ पर पीईटी एंड पीएसटी का टेस्ट के बारे में बताया गया था उसके बारे में डिटेल्स में। तो जहाँ पर आप देख पाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए आपको मिनिमम हाइट जो है 17.5 होना चाहिए, चेस्ट आपको 81 तक, और उसमें स्पेन करने के बाद 5 सेंटीमीटर तक आपको स्पेन करना है, जो कि हाई रिलैक्सेशन जो होता है वो आपको गोरखा गडवल्स एंड के लिए एंड शेड्यूल टाइप के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है वो आपको 1.6 किलोमीटर का होने वाला है, जहाँ पर आपको 15 मिनट्स में कवर करना है। और साइकिलिंग जो होने वाला है वो 8 किलोमीटर का होने वाला है, जो कि 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, जो कि बहुत अच्छा बात है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए वही जो पोस्ट है वो आपको फिजिकल टेस्ट में 152 हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए 48 kg, एंड हाइट रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि गोरखा का मिलता है, शेड्यूल टाइप का मिलता है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और फिजिकल टेस्ट के लिए आपको वॉकिंग करना पड़ेगा 1 किलोमीटर तक 20 मिनट्स के अंदर, और साइकिलिंग करना है आपको 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स के अंदर। तो नेक्स्ट जो फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया गया है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है, तो उसमें आपको हाइट चाहिए होता है 165 एंड फॉर वुमेन के लिए 150 एंड हाइट रिलैक्सेशन होगा 5 सेंटीमीटर तक। तो चेस्ट जो होगा वो 76 तक एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और विजन जो है आई का विजन 6x9 और 6x6 होना चाहिए, उसके अंदर होने पर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब NIA में आपको हाइट चाहिए होता है 170, फॉर वुमेन के लिए 150 एंड हाइट रिलैक्सेशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक। चेस्ट जो है 76 सेम तरीके से, और उसके में उसका भी जो आई का विजन चाहिए वो 6x6 एंड 6x9 के अंदर होना चाहिए। और फिजिकल सेंटर टेस्ट फोर्स ऑफ द सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो में होना है, उसमें फॉर मेन के लिए 165 एंड वुमेन के लिए 152 तक होना चाहिए, जिसमें चेस्ट जो है वो 76 तक आपको स्पेंड करना पड़ेगा।
और भीषण भी सेम रहेगा। तो ये रही आज का नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स। तो आपको कैसा लगा इस नोटिफिकेशन डिटेल्स? इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा रिलेटेड जॉब अपडेट पाने के लिए, फार्मा रिलेटेड जितने भी अपडेट रहते सब कुछ पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो आपको कैसा लगा। इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका क्वेरी रिजॉल्व करने में हमें खुशी मिलता है। तो आज के लिए वीडियो इतना तक ही, मुलाकात होता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मायरस। फार्मायरस के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। और हाँ, इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप डायरेक्टली पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले, और जिसके लिए टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डायरेक्टली पा सकते हैं। और इसमें कैसे अप्लाई करना है, SSC CGL में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए डिटेल्स वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक यू।